सब तो बड़े फैसले जिहड़े अज पंजाब सरकार ने किए ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने किए ने, सब तो अहम फैसला सीगा कि जिहड़ा सरकार ने पार्टी ने जो अनाउंस किया इलेक्शन लड़ रहे, सब तो पहला रुजगार जिहड़ा वो पंजाब के साडे नौजवानों को मिलेगा। और अज असी 26,454 पोस्टा जिहड़ियां पक्के तौर पर परमानेंट तौर पर पंजाब के वख-वख डिपार्टमेंटां च भरिया जाणियां नेगियां, उहदा प्रोसैस शुरू हो गया। अज उन्हां ते जिहड़ी मोहर कैबिनेट ने ला दित्ती है, 26,454 पोस्टा पंजाब के वख-वख डिपार्टमेंटां दे विच खाली पईआं सीगियां, उह सारियां दी सारियां पोस्टा आउण वाले दिनां च भरिया जाणगियां और प्रोसैस जिहड़ा हैगा शुरू हो गया। अज कैबिनेट दे विच जिहड़ा हैगा उह ते फैसला किया गया और इहदे नाल मैं समझदा पंजाब दे जिहड़े बेरोजगार सी, जिहड़े लंबे अरसे तों अपने रुजगार दी भाल दे विच लगे हुए सी, उहनां नूं बहुत वड्डी राहत जिहड़ी आ मिलेगी। और वख-वख डिपार्टमेंटां दे विच जिहड़ियां पोस्टां नेगियां, जिवें खेतीबाड़ी दे विच खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट दे विच लगभग 67 पोस्टां नेगियां, इसे तरह पशु पालन डिपार्टमेंट आ उहदे विच 218, सहकारिता 770, आबकारी ते कर विभाग 338, वित्त विभाग 446, जंगलात दे विच 204, सेहत अते परिवार भलाई दे विच 2187, उचेरी सिक्ख्या ते भाषा दे विच 210, गृह मामले अते न्याय दे विच 10,475, हाउसिंग अते शहरी विकास दे विच 235, स्थानक सरकारां दे विच 547, मैडिकल अते सिक्ख्या अते खोज दे विच 275, योजनाबंदी दे विच 16, पावर दे विच बिजली दे विच 1690, जेलां दे विच 9, माल मुड़ बसेबा अते आफत प्रबंधन दे विच 8, पेंडू विकास अते पंचायतां दे विच 803, इसे तरह स्कूली सिक्ख्या ते जोर दिंदे होए 6,452 पोस्टां, ग्रुप बी दियां 115, ग्रुप सी दियां 6,337, 6,452 टोटल पोस्टां जिहड़ियां नेगियां सिक्ख्या विभाग दे विच, विज्ञान टैक्नोलॉजी अते वातावरण दे विच 123, समाजिक न्याय दे विच 30, समाजिक सुरक्षा च 82, तकनीकी सिक्ख्या च 999, जेल स्रोत दे विच 105, जल सप्लाई अते सैनिटेशन दे विच 155, यानी कि कुल टोटल 26,454 पोस्टां जिहड़ियां नेगियां वह सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई जी कैबिनेट की मीटिंग हुई है मानयोग मुख्यमंत्री साहब के असी कटिया नेगियां। और ये मैं समझदा पंजाब के जिहड़े बेरोजगार नौजवान ने उन्होंने वड्डी पद्धर रुजगार मिलेगा। और इस तो बिना एक वड्डी स्कीम जिहड़ी आ जिहड़ी बहुत पंजाब के लोग लंबे अरसे तो वेट कर रहे थे कि एक पेंशन MLA जो बन गया उन्होंने सिर्फ एक पेंशन मिलेगी, वह भी अज जिहड़ा हैगा असी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। वन MLA एक टाइम जितया MLA चाहे 10 बार जितया चाहे कितनी बार मर्जी जितया गया उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। अज इधर भी असी ऑर्डिनेंस पंजाब सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जारी किया गया। और दूसरा तीसरा वड्डा फैसला पंजाब सरकार का डोर टू डोर जी राशन की डिलीवरी हैगी वह भी असी स्टार्ट की आ और अक्तूबर के 1 अक्तूबर तो स्टार्ट होगी। उस पूरा मैकेनिज्म तैयार होगा, पूरी स्कीम तैयार की गई है, कड़िया एजेंसियां रहनगियां, कौन कौन लोग इस इनवॉल्व रहेंगे, पूरा जिहड़ा हैगा सी कि मैकेनिज्म तैयार किया गया। डोर टू डोर स्टैप जिहड़ा हैगा राशन की डिलीवरी जिहड़ी आ पंजाब के लोगों को मिलेगी, बहुत बड़ा अहम फैसला पंजाब सरकार ने अज किया गया। और इस तरह जिहड़े साडे ट्रांसपोर्ट के चाहे वह प्राइवेट बसा नेगियां चाहे स्कूलों दियां नेगियां चाहे छोटे जिहड़े वहीकल नेगे कमर्शियल वहीकल ने उन्होंने टैक्स की छोट आ असी क्या गया कि 3 महीनों के जो पेंडिंग टैक्स पिया गा जिहड़े पेंडिंग बकाए पे ने गे उन्होंने 3 महीने अगर वधाई स्कीम 3 महीनों के किस्तों के राही जो पैसे भर सकते हो और अपना कारोबार जिहड़ा हैगा उन्होंने चालू रख सकते हो। और इस तरह सब तो बड़ा एक अहम फैसला होर जिहड़ा मुक्तसर जिले के नरमे दे जिहड़ा नरमा तबाह हो गया सीगा उहदे च मुआवजे की किसानों की बहुत वड्डी मंग सीगी, अज उहदे ते भी सरकार ने मोहर लाई हैगी, पूरा मुआवजा किसानों नूं मिलेगा। उहदे नाल दी नाल मैं समझदा जिहड़े मजदूर सीगे जिहड़े मजदूर इनवॉल्व सीगे उन्हां नूं भी उहनां दा बणदा मुआवजा मिलेगा। इहदे लई भी अज कैबिनेट जिहड़ी आ उस गल ते मोहर लाई है। सो अज वड्डे 5 फैसले जिहड़े हैगे ने उह पंजाब सरकार ने कीते नेगे और इहनां 5 फैसलिआं दे नाल पंजाब दे लोकां नूं बहुत वड्डी राहत मिलेगी। सर जिहड़े 1 MLA 1 पेंशन दी गल कीती जा रही है इहदे करके खजाने ते किन्ना कु ज़्यादा इफेक्ट होएगा? देखो खजाने नूं घट्टो घट्ट मैं समझदा लगभग 17 point something जिहड़ा हैगा करोड़ रुपए की सालाना राहत जिहड़ी आ वो खजाने नूं मिलेगी और पंजाब का पैसा बचूगा। और जिहड़ा पैसा जा रहा सीगा वो लगभग 18 करोड़ तो नीचे जिहड़ा हैगा
सालाना वो पंजाब दे खजाने च बचूगा। सर एक विधायकों का टैक्स सरकार भरती है, सरकार नूं बोझ पैंदा है, विधायक ही अपना टैक्स नहीं भर सकते अगर आम लोग भर सकते। बिल्कुल जी तुसीं गल कीती है, आने वाले समय के फैसला सरकार लेगी, पर लेकिन हजे असीं पहली स्कीम लागू की है, अजे सा इसका तुसीं जिहड़ा हैगा वेट करो, ये स्कीम अज लागू हो चुकी है। आने वाले समय के पावर का कोई भी क्राइसिस नहीं होगा, बिल्कुल पावर का क्राइसिस खत्म हो जाएगा, वो सारे जो है उन्होंने चर्चा हुई है, पर लेकिन मेन जो है पांच वड्डे फैसले अज पंजाब के लोगों के हित किए ने गे। सो सारा देखो आटा जी आटे वाली स्कीम कह रहे हो, डोर टू डोर स्टैप की स्कीम कह रहे हो, पहली बार 100% जो है लोग इन्वॉल्व रहेंगे, सबन मिलेगा, और उस तो बाद जिन्होंने ऑप्शन लेनी आ कि असी आटा लेना गा या कणक लैनी आनंद ऑप्शन आ गई, उस तो बाद ऑप्शन आ गई, पर लेकिन फर्स्ट टाइम एक मिनट फर्स्ट टाइम जो है सरकार जो है इन सारे लिए लागू कर रही है। बिल्कुल सारे खर्चे सरकार दे, कोई ज्यादा लोड नहीं पै रहा। दूसरा अमृतसर कहते कि जो साबका डिप्टी सीएम है वो तो सर्किट हाउस का कोई है, उन्होंने अपने बेटे पीपीपी मेरे मामला ध्यान नहीं है, जो भी कोई दोषी होगा, जेकर किसी ने कोई रूल तोड़िया गया, कोई निजम तोड़िया गया, कोई कानून तोड़िया गया, कोई भी व्यक्ति आदि खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हाँ जी देखो मेरे मामला ध्यान नहीं, जो मामला ध्यान आऊगा, जेकर किसी भी व्यक्ति विशेष ने कोई कानून तोड़िया गया, कोई जमीन प्रॉपर्टी हड़प्पी आ, कोई भी चीज़ का निजम तोड़े ने गे, वो कोई भी व्यक्ति वो खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाऊगी। तुम देखो कि साडा पंचायती डिपार्टमेंट लगातार जमीन छड़ा रहा है और लगातार पंजाब जमीन छड़िया भी जा रही ने गियाँ। सो बिल्कुल असी राइट डायरेक्शन दे सरकार काम कर रही है, बड़े अच्छे तरीके सरकार काम कर रही है। सो बिल्कुल तुसी देखो आने वाले समय के किन्ने अच्छे रिजल्ट जो पंजाब के लोगों को मिलेंगे।